We are starting chapter number 22, fun games. So यहाँ पर कुछ games का description हमें दिया है, हमें उनका name guess करना है. The following text snippets describe the rules और goals of the players. यहाँ पर game के rules और players के goals बताए गए हैं. While playing various board games, बहुत तरह तरह के board games के बारे में हमें बताया गया है. Can you identify the games from the description? क्या आप description से उन game को पता लगा सकते हो कौन से हैं? Write down their name in the blanks given. तो नीचे जो blank दिया है हमें उसमें इन games का नाम लिखना है. Okay? So मैं आपको यहाँ पर description पढ़कर सुनाती हूँ. This game originated in America. ये जो game है बच्चों, ये America में बनाया गया था. It is often described, इसे प्राय कहा जाता है, the fast dealing property trading game. इसे कहा जाता है सबसे तेजी से प्रॉपर्टी डील करने वाला ट्रेडिंग गेम. इसमें हम प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते हैं. ओके, हैसब्रो द अमेरिकन गेम एंड टॉय कंपनी पब्लिशेस दिस गेम. ओके, सो एक टॉय कंपनी ने इसको गेम को पब्लिश किया था. एज द प्लेयर्स मूव अराउंड द गेम बोर्ड, जैसे ही प्लेयर्स गेम बोर्ड के अराउंड मूव करते हैं, दे बाय, वो खरीदते हैं, डेवलप करते हैं और ट्रेड करते हैं प्रॉपर्टीज को. ओके, यहाँ पर देखिए जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, उसे डेवलप करते हैं. अदर एक्टिविटीज इंक्लूड, दूसरी एक्टिविटीज क्या होती हैं इसमें, रेंट कलेक्ट करते हैं फ्रॉम ओपोनेंट्स, दूसरे प्लेयर से. मान लीजिए आपने ये प्रॉपर्टी खरीद ली और दूसरा प्लेयर भी यहीं पर आ गया, उसका भी डाइस जो है वो यहीं आ गया, तो दूसरे प्लेयर को, पहले प्लेयर को उसका रेंट देना पड़ेगा. ओके, सो बाइंग होटल्स, होटल्स खरीदते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें होती हैं. देयर आर 40 स्पेसेस, यहाँ पर 40 स्पेसेस हैं, जगह हैं, विथ 28 प्रॉपर्टीज़, और 28 प्रॉपर्टीज़ हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट द गेम बोर्ड, जो पूरे गेम बोर्ड में हैं. देयर आर सर्टेन वेरिएशंस इन अदर कंट्रीज़, दूसरे कंट्रीज़ में कुछ वेरिएशंस भी हैं. द अल्टीमेट गोल है प्लेयर का इज़ टू स्टे अफ्लॉट एंड फोर्स ओपोनेंट इन टू बैंक्रप्टसी, के दूसरा जो ओपोनेंट है वो बैंक्रप्ट हो जाए और सारा जो मनी है, सारी प्रॉपर्टीज़ वो खरीद ले और सारी प्रॉपर्टीज़ उसके पास आ जाए. ओके, सो ये इस गेम का नाम है बच्चों मोनोपोली. ओके, इस गेम का नाम है मोनोपोली. तो चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ. यस, दिस गेम, दिस गेम इज प्लेड बिटवीन टू प्लेयर्स, ये दो प्लेयर्स के बीच में खेला जाता है. वन ऑफ देम बिकम्स द कोड मेकर, इसमें से एक बन जाता है कोड मेकर और दूसरा बन जाता है कोड ब्रेकर. एक कोड मेकर और दूसरा कोड ब्रेकर. कोड मेकर का गोल होता है इज टू नॉट लेट द कोड ब्रेकर डिकोड द कोड सेट बाय द कोड मेकर, के कोड मेकर ने जो कोड सेट किया है कोड ब्रेकर उसको डीकोड ना कर पाए, उसे तोड़ ना पाए. राइट, जो एक कोड, एक प्लेयर ने, एक प्लेयर बन गया कोड मेकर, उसने जो कोड बनाया है उसे कोड ब्रेकर डीकोड ना कर पाए, पहचान ना पाए. ओके, ऑन द अदर हैंड कोड ब्रेकर का गोल क्या होता है कि वो पैटर्न को डीकोड कर दे. ओके, सो द नंबर ऑफ गेम्स टू बी प्लेड इज डिसाइडेड इन एडवांस बाय द टू प्लेयर. सो जो गेम्स के जो नंबर हैं वो पहले ही दोनों प्लेयर्स डिसाइड कर लेते हैं. द वन विद मोर नंबर्स ऑफ पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द गेम्स प्लेड बिकम्स द विनर. सो वो इंसान विद मोर नंबर्स ऑफ द पॉइंट्स, जिसके पास ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं गेम के एंड में, वो बन जाता है इस गेम का विनर. तो इस गेम का नाम है बच्चों मास्टरमाइंड.
ओके इस गेम का नाम क्या है? मास्टर माइंड. आगे चलते हैं. नाउ वी हैव दिस गेम. द प्लेयर्स इन द गाइस ऑफ वन ऑफ द सिक्स कैरेक्टर्स ऑफ द प्लॉट ऑफ अ थ्रिलर मूव अबाउट द बोर्ड्स इन ऑर्डर टू सॉल्व अ मर्डर विच हैज हैपेंड एट अ ट्यूडर मेंशन इन हैम्पशायर इंग्लैंड. सो इस गेम में क्या किया गया है? छह कैरेक्टर्स हैं और प्लेयर्स इन्हीं कैरेक्टर्स में से कोई भी एक कैरेक्टर बन जाते हैं और ये सब एक मर्डर मिस्ट्री सुलझाते हैं जो हुई है हैम्पशायर इंग्लैंड में ट्यूडर मेंशन में. सिक्स सस्पेक्ट्स हैं, सिक्स वेपन्स हैं, हथियार हैं और नाइन रूम्स हैं. यहाँ पर नौ कमरे हैं इस मेंशन में. ये जो पूरा मेंशन है ओके ट्यूडर मेंशन इसको बोलेंगे. इट वॉज क्रिएटेड बाय अ सॉलिसिटर्स क्लर्क. ये सॉलिसिटर्स के क्लर्क एंटनी ई प्रैट ने बनाया था ये गेम फ्रॉम बर्मिंगम इंग्लैंड. जो इंग्लैंड बर्मिंगम से थे ओके. इट इज़ प्रेजेंटली पब्लिश्ड बाय हास्ब्रो यूएसए. इट इज़ कंप्राइज्ड बाय अ बोर्ड शोइंग रूम्स. ये ऐसा लगता है कि जैसे एक बोर्ड पर रूम्स हैं, पैसेजेस हैं, कॉरिडोर्स हैं एट अ ट्यूडर मेंशन. ट्यूडर मेंशन पर द कलर्ड प्लेइंग पीसेस रिप्रेजेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स. और जो इसके ये कलर्ड प्लेइंग पीसेस है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है. तो इस गेम का नाम है, इस गेम में हम एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं ओके बच्चों. तो छह हमारे पास सस्पेक्ट्स होते हैं, छह वेपन्स होते हैं और नाइन रूम्स होते हैं. इस गेम का नाम है क्लू ओके. सो नेक्स्ट वी हैव गेम नंबर फोर. द प्लेयर्स ऑफ द गेम. इस गेम के जो प्लेयर्स हैं गो थ्रू देयर लाइफ्स जर्नी. अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू हैप्पी ओल्ड एज. बचपन इन्फेंसी से स्टार्ट कर जब वो बहुत छोटे थे, जब पैदा ही हुए थे, उस वहाँ से स्टार्ट कर अपनी हैप्पी ओल्ड एज के बारे में. इस यहाँ प्लेयर्स का गोल होता है इज टू लैंड ऑन द हैप्पी एंड गुड स्पॉट्स ऑफ लाइफ. अपनी लाइफ के हैप्पी और अच्छे स्पॉट्स पर लैंड वो कर जाएं. एंड अर्न 100 पॉइंट्स एवरी टाइम दे लैंड ऑन दीज. और जब भी वो इन पर लैंड करते हैं उन्हें 100 पॉइंट्स मिलते हैं. दिस वॉज इन्वेंटेड इन 1860. ये गेम 1860 में बनाया गया था बाय मिल्टन ब्रैडली ऑफ मस्कट्स. मस्कट्स के मिल्टन ब्रैडली ने ये गेम 1860 में बनाया था. यूएसए के थे वो. द बोर्ड गेम इन प्रेजेंट टाइम. अब प्रेजेंट टाइम में ये जो बोर्ड गेम है ये कंप्राइज्ड होता है बाय अ ट्रैक ट्रेवल्ड बाय प्लेयर बाय स्पिनिंग अ व्हील ओके. द स्पेसेस ऑन द बोर्ड्स. ये देखिए जो यहाँ पर स्पेसेस हैं आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100. द प्लेइंग पीसेस आर वेरियसली कलर्ड ऑटोमोबाइल्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स ओके. सो जो प्लेइंग पीसेस हैं वो ऐसे हैं जैसे तरह तरह के कलर्ड ऑटोमोबाइल और बने हुए हैं वो प्लास्टिक के. इसका आंसर दे रही हूँ मैं. ये गेम है गेम ऑफ लाइफ. गेम ऑफ लाइफ. आगे चलते हैं. एंड नाउ दिस इज द लास्ट गेम ऑफ दिस चैप्टर. और ये गेम है दिस गेम टेस्ट यू ऑन योर फिजिकल स्किल्स. ये आपकी फिजिकल स्किल्स को टेस्ट करता है ये गेम. द इक्विपमेंट इंक्लूड्स अ मैट. इसमें एक मैट होता है विथ फोर रोज ऑफ लार्ज सर्कल्स कलर्ड रेड येलो ब्लू एंड ग्रीन. जिसमें क्या होते हैं फोर रोज होती हैं लार्ज सर्कल्स की रेड येलो ब्लू एंड ग्रीन एंड अ स्पिनर. और एक स्पिनर होता है विच इज़ अटैच टू अ स्क्वायर बोर्ड. जो एक स्क्वायर बोर्ड से अटैच होता है जो स्पिन करता है ना ऐसे राउंड राउंड वो. द प्लेयर्स एक्ट अकॉर्डिंग टू द लेबल्स ऑन द स्पिनिंग व्हील. प्लेयर्स कैसे एक्ट करते हैं जैसे कि लेबल हो वो स्पिनिंग व्हील के.
एंड मूव देयर हैंड और फुट टू अ सर्कल ऑफ द करेक्ट कलर. और जो भी कलर आता है वो उस पर उसके अकॉर्डिंग वो मूव करते जाते हैं उस कलर्स पर. देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने हाथ या अपने पैर रखते चले जाते हैं. ओके, इफ़ अ प्लेयर लूजेस हिज हर बैलेंस, अगर कोई प्लेयर अपना बैलेंस लूज कर जाता है और गिर जाता है तो वो गेम से एलिमिनेट हो जाता है, मतलब बाहर हो जाता है. द लास्ट वन टू स्टैंड ऑन द मैट ऑन द करेक्ट सर्कल्स विंस द गेम. जो लास्ट तक बना रहता है मैट पर और करेक्ट सर्कल्स पर भी रहता है वो ये गेम जीत जाता है. सिंस द नंबर ऑफ कलर्ड सर्कल इज रियली लिमिटेड, कलर्ड सर्कल का जो होते हैं उनके नंबर्स बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं. सो प्लेयर्स कैसे करते हैं, द प्लेयर्स आर ऑफन रिक्वायर्ड टू पुट देमसेल्व्स इन स्ट्रेंज एंड प्रीकैरियस पोजीशन. तो कई बार प्लेयर्स बहुत स्ट्रेंज पोजीशंस में भी मूव कर जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो. Thus one or the other of them are bound to fall and be eliminated. तो इससे ऐसा होना ही है जब हम इतनी strange position और precarious position में एक circle से दूसरे circle पर जाते जाते हैं तो इसमें गिरना या eliminate होना तो possible है ही. और इस game का नाम है बच्चों, देख रहे हो ना आप इसमें बॉडी कैसे ट्विस्ट कर रही है, सो इसका नाम है ट्विस्टर, राइट? सो बच्चों ये हैं डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्टिंग गेम्स. और अब आप बताओ आपने इसमें से कौन कौन से गेम्स खेले हुए हैं ना कुछ. ओके, वेरी गुड. सो इसी के साथ हम ये चैप्टर फिनिश करते हैं. थैंक यू.